और रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कुजू में काले हीरे का काला खेल जो है वो देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कुजू के स्थानीय फैक्ट्री में गिराया जा रहा है कोयला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरफराज नामक युवक के कोड पर गिराया जा रहा है कोयला, झाजी के इशारे पर हो रहा है कोयले का काला खेल। कौन है सरफराज, कौन है झाजी? कुजू ओपी क्षेत्र में रात के अंधेरे में हो रहा है कोयले का अवैध कारोबार। तो रामगढ़ से बड़ी खबर, कुजू में कोयला हीरा का खेल जो है धड़ल्ले से चल रहा है, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रामगढ़ से अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से कुजू में काला हीरा का जो खेल एक बार फिर से शुरू हो गया, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी निखिल, बात करें तो रामगढ़ जिले में इंडियो कोयला का खेल जो है शुरू हो चुका है। और बात करें तो रामगढ़ के कुजू क्षेत्र में धड़ल्ले से कोयला का कारोबारी सक्रिय है और लगातार कुजू क्षेत्र के जितने भी स्पंज फैक्ट्री है वहां पर कोयला को गिराया जा रहा है। सरफराज नामक व्यक्ति जो है उसके कोड पर कोयला का खेल खेला जा रहा है। पूरे मास्टर माइंड में एक झाजी का भी नाम आ रहा है, ये झाजी कौन है या जांच का विषय है। और बहुत जल्द TV45 इस मुहिम की पड़ताल और जड़ तक पहुंचेगा और कहा जा सकता है कि एक बड़ा सिंडिकेट के माध्यम से कोयला का खेल रामगढ़ में खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं सफेदपोश खाकी सभी मिलकर यहां पर कोयला का खेल खेल रहे हैं। तो सरफराज नामक व्यक्ति जो है उसके इशारे पे उसके कोडिंग के आधार पर कोयला का खेल खेला जा रहा और झाजी की भूमिका भी जो है काफी संदिग्ध है। कुजू पुलिस की भूमिका भी काफी संदिग्ध है, बिना पुलिस के देखरेख में कोयला का खेल नहीं चल सकता। ऐसे में कुजू क्षेत्र की बात करें, जिस जगह यह कोयला का खेल खेला जा रहा है तो कुजू पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। लगातार सूत्र से ये खबरें आ रही कि कोयला रात के अंधेरे में लगातार जो फैक्ट्री है कुजू क्षेत्र का स्थानीय फैक्ट्री में वहां पर चलाई जा रही है। जी अनिकेत, बिल्कुल, कहीं ना कहीं दो नाम सामने आ रहे हैं, कौन है ये सरफराज, कौन है झाजी? तो कहीं ना कहीं आगे भी हम इसका खुलासा करेंगे अनु, जिस तरीके से लगातार जो है अब कोयले का काला खेल चल रहा है। जी निश्चित तौर पर, बात करें तो सरफराज और झाजी का जो खुलासा है बहुत जल्द TV45 पे होगा और इसको लेकर TV45 लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में कोयला का काला खेल खेला जा रहा लगातार कुजू में कोयला को लेकर सालों भर चर्चा रहती है और कुजू जो है एक कोयला क्षेत्र का गढ़ माना जाता है। जी जी अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र में कोयले का काला खेल जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है और TV45 ने मुहिम छेड़ रखी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लगातार आपको बताएंगे हम कि आखिर कौन है सरफराज, कौन है झाजी, इनकी पूरी कुंडली और काला चिट्ठा जो है आपको दिखाएंगे।